हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैमर क्वीन। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ दो ऐसे ग्लोइंग स्किन फेस पैक जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ साथ आपकी स्किन में एक अलग सा निखार लाएंगे, साथ ही साथ आपका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है उसे भी फेयर करेंगे। अगर ये फेस पैक इतने ज्यादा अच्छा है कि अगर आप इसे सिर्फ 3 दिन यूज करेंगे तो आपको आपकी स्किन में इतना ज्यादा निखार नजर आएगा, और साथ ही साथ गाइस अगर आपकी स्किन पर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो ये आपकी स्किन को क्लीन करके, आपकी स्किन के सारे एक्ने पिंपल्स को रिमूव करके आपकी स्किन को ग्लोइंग वाइट एंड ब्राइटन बनाने में भी हेल्प करेगा। सो गाइस ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के हमें ग्लोइंग स्किन फेस पैक किस तरीके से बनाने हैं। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहला फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ गुलाब की पत्तियों की जरूरत होगी। और गाइस मैंने यहाँ पर गुलाब की पत्तियों को अच्छे से तोड़ लिया है और उसके बाद मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूंगी ताकि इसमें जो भी डस्ट हो वो सब निकल जाए। ये देखिए आपको इसे बहुत ही अच्छे से धो लेना है। और गाइस अगर हम इसका फेस पैक यूज करेंगे तो इससे हमारी स्किन में गुलाबी निखार आएगा, साथ ही साथ हमारे जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो भी फेयर होने लगेगा धीरे धीरे। सो गाइस गुलाब की पत्तियों का जो फेस पैक होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। सो गाइस आज का जो मेरा फेस पैक है वो मैं रोज पेटल को पीस कर फेस पैक नहीं बनाने वाली हूँ। आज मैं फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले रोज मिल्क बनाऊंगी। सो गाइस इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको रोज पेटल को अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसे मिक्सी में डालना है सारी रोज पेटल को वॉश करने के बाद। सो गाइस उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर ऐड करूंगी कच्चा दूध यानी रॉ मिल्क। आपको इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध ऐड करना है। सो गाइस उसके बाद आपको इसे मिक्सी में अच्छे से ग्रेट कर लेना है। सो गाइस मैंने यहाँ पर मिक्सी में अच्छे से इसे पीस लिया है। अब उसके बाद आपको एक क्लीन बोल लेना है और उसमें छलनी की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। सो गाइस देखिए अब हमारा रोज मिल्क एकदम रेडी है। अगर आप इसे इस तरीके से भी एक एज अ क्लिंजर यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। फेस पैक नहीं बना पा रहे हैं आप तो आप इसको एज अ कॉटन बॉल लेकर आप इसे एज अ क्लिंजर की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस उसके बाद फेस पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच चंदन पाउडर ऐड करूंगी यानी सैंडलवुड पाउडर। और गाइस सैंडलवुड पाउडर भी बहुत अच्छा है हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन करने के लिए, हमारी स्किन से ऑयल को कंट्रोल करता है ये। सो गाइस उसके बाद मैं इसमें रोज मिल्क ऐड करूंगी। सो गाइस इसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और गाइस आपको इसे तब तक मिक्स करते रहना जब तक कि ये स्मूथ पेस्ट ना तैयार हो जाए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। सो गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोज मिल्क और ऐड कर रही हूँ ताकि इसका जो पेस्ट है वो स्मूथ तैयार हो और हमारे फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। सो गाइस आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो गाइस अब हमारा फेस पैक एकदम रेडी हो चुका है। अब इसे कैसे यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस इसको यूज करने से पहले आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। सो गाइस उसके बाद आपको इसे अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। सो गाइस इस फेस पैक में मैंने चंदन पाउडर ऐड किया है। और गाइस चंदन पाउडर सन टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे स्किन टोन को इवन करता है, एक्सफोलिएशन में हेल्प करता है, और हमारे स्किन में अगर ऑयलीनेस की प्रॉब्लम है तो उसे भी कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ एक्ने पिंपल्स के अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो उसे भी ठीक करने में हेल्प करता है। सो गाइस इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आपको उसे 15 से 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। सो गाइस अगर आप इस फेस पैक को कम से कम 3 से 4 दिन अप्लाई करेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा ग्लो करने लगी है और साथ ही साथ आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। सो गाइस उसके बाद बारी आती है सेकंड फेस पैक की। सो गाइस फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जैस्मिन के फ्लावर लेने हैं यानी चमेली के कुछ फूल लेने हैं आपको, और उसके बाद आपको उन्हें अच्छे से तोड़ लेना है उसकी जो पत्तियां होती हैं, और उसके बाद आपको इन पत्तियों को अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसमें जो भी धूल मिट्टी है वो सब अच्छे से रिमूव हो जाए। सो
सो गाइस मैंने यहाँ पर अच्छे से फूलों को धो लिया है और उसके बाद आपको एक मिक्सी लेनी है और उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध ऐड करना है और उसके बाद आपको इसे अच्छे से पीस लेना है। सो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक क्लीन बोल लेना है और उसमें इस मिल्क को अच्छे से स्टेन कर लेना है यानी छान लेना है। सो गाइस देखिए अब हमारा जैस्मिन मिल्क एकदम रेडी है। अब गाइस इसका फेस पैक हमें किस तरीके से बनाना है। सो गाइस फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर लेना है। इसके बाद मैं इसमें 2 से 3 चम्मच जैस्मिन मिल्क ऐड करूंगी। उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सो गाइस आपको इसे तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि स्मूथ पेस्ट ना तैयार हो जाए। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा फेस पैक एकदम रेडी हो चुका है। अब इसे किस तरीके से अप्लाई करना है। सो गाइस इसको अप्लाई करने से पहले आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद आप इसे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। सो गाइस इस फेस पैक में मैंने मुल्तानी मिट्टी ऐड की है। मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ साथ अगर जिनकी स्किन ऑयली है तो ऑयल को कंट्रोल करके हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी हेल्प करते हैं। सो गाइस इसको अप्लाई करने के बाद आपको इसे सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। सो गाइस जब आप इस फेस पैक को 3 से 4 बार ट्राई करेंगे तो आपको आपकी स्किन में अलग सा ग्लो नजर आएगा। तो कम से कम आप इस फेस पैक को हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर ट्राई कीजिए। और गाइस ये है हमारा रोज मिल्क और जैस्मिन मिल्क। अगर आप कोई भी फेस पैक बनाते हैं उसमें या आप रोज वाटर या फिर दही ऐड करते हैं तो आप उनको छोड़कर इन दोनों में से किसी एक को ऐड करेंगे तो आपको आपकी स्किन में और भी ज्यादा निखार देखने को मिलेगा। सो गाइस आप इन फेस पैक को जरूर ट्राई कीजिए। ये आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक करके आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बनाएगा। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।